हम लोग है ट्रेन वाली स्ट्रीट पर जहाँ पर ट्रेन आती है और आप साइड में बैठे होते हो. ये ट्रेन लेन है जिसके दोनों साइड पे कैफेज है. आप लोग देख सकते हो क्योंकि ट्रेन आने का टाइम आ गया तो लोग आ रहे हैं, लेकिन आप इसमें डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते हो. देयर आर पीपल स्टैंडिंग आउटसाइड द जहाँ से वो स्टॉप होता है रोड के साइड पे, वो अपने घर के बीच में से लेके आते हैं. तो इट्स अ ब्यूटिफुल नज़ारा जो देखने को यहाँ मिल रहा है. पीपल आर वॉकिंग ऑन द ट्रेन ट्रैक्स एंड दे आर क्लिकिंग फोटोज, दे आर लाफिंग, दे आर हैविंग गुड टाइम. तो देखते हैं कैसा रहता है हमारा ये एक्सपीरियंस. सो गाइस, आई एम राइट नाउ ट्राइंग अ वेरी डिफरेंट थिंग इन वियतनाम. दिस इज अ लोकल डेलिकेसी. इट्स एन एग कॉफी. एग्जैक्टली आपने ठीक सुना है, अंडे की कॉफी. इट्स अ वेरी, यू नो, इट हैज अ वेरी क्रीमी टेक्सचर एंड लेट्स सी कैसी है ये कॉफी. वाओ, इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक यू नो आप कोई कैरेमल, कोई डेजर्ट आप खा रहे हैं. वेरी सिल्की, वेरी ब्यूटिफुल. आई मस्ट से कोई भी वियतनाम आए, डू ट्राई द एग कॉफी. शो दिस कॉफी, लवली. और एकदम से हमें पता लगा कि ट्रेन आने वाली है. सो एवरीबॉडी बिकेम एक्साइटेड एंड सबको उन्होंने एक सेफ जगह पे खड़ा कर दिया है जस्ट टू हैव अ लुक ऑफ इट. सो फाइनली जिसका हमें इंतजार था वो हो गया है और ट्रेन इज जस्ट कमिंग. सो यू कैन सी द लाइट्स. हम लोग यहाँ कैबिन में बैठे थे और जैसे ही ट्रेन आने वाली थी तो उन्होंने हमें एक्साइट कर दिया कि सेफ्टी जरूरी है और बड़ा ही मजेदार नजारा है. इसका एक अपना ही एड्रेनलाइन रश है कि इतने पास आप खड़े हो ट्रेन है. ट्रेन हमने बहुत देखे हैं लेकिन किसी टूरिस्ट प्लेस पे ऐसे ट्रेन देखना और उसके साथ में आप ड्रिंक कर रहे हो तो अलग ही मजा है उसका. हम लोग हैं होइन केम लेक के पास जो कि बहुत 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 लाइवली जगह है. शाम को लॉट ऑफ लोकल टूरिस्ट एंड टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं. लाइव बैंड परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं और आप देख सकते हो कितने लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं. तो लेट्स एक्सप्लोर मोर. खड़े हैं ब्यूटीफुल होइन केम लेक के आगे. बहुत ही बढ़िया नजारा है. लोग निकले हुए हैं, लोग यहाँ पर तरह तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं. इट्स अ फन एक्टिविटी थिंग इन द इवनिंग. मतलब मजा आ रहा है. मौसम भी थोड़ा सा मेहरबान है तो ज्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन एक्चुअली इट्स लॉट ऑफ फन. यू गेट टू सी लॉट ऑफ पीपल ऑन रोड. मेरे पीछे जो आप ये फाउंटेन देख रहे हैं ये होइन केम लेक का वॉकिंग स्ट्रीट है. जैसे हिल स्टेशन पे माल रोड होती है वैसे उस तरह की हनोई की माल रोड है. शाम को हजारों लोग अपने होटल से निकल के यहाँ पे घूमने आते हैं बच्चों के साथ. बहुत सारी एक्टिविटीज, शोज, गेम्स एंड यू नो देयर आर मेनी फेमस रेस्टोरेंट्स ओवर हियर. तो कोई भी हनोई आए तो यहाँ पे आना बनता है. इट्स अ वेरी फेमस प्लेस ओवर हियर. और हम लोग पहुंच गए हैं इंसेंस विलेज. तो यहाँ पर ट्रेडिशनल वे से इंसेंस यानी अगरबत्तियाँ बनती हैं और इन्होंने बहुत ब्यूटीफुली उनको सजाया हुआ होता है. कलर्स ऑफ लाइक ब्यूटीफुल ब्राइट कलर्स ऑफ रेड, ग्रीन, येलो, ब्राउन. तो मतलब इन्होंने ये बनाई है और ये बहुत पुरानी इनकी ट्रेडिशनल परंपरा है
जिसमें ये ऐसे पतली डंडियों को कलर्स के साथ डाई करके रखते हैं। और यहाँ जब आप लोग आते हो तो यू कैन बाय इंसेंस टू सपोर्ट देयर स्मॉल बिजनेस। तो चलिए यहाँ पे भी टिकट लेनी पड़ती है, अब चलते हैं अंदर देखते हैं कि कितने का टिकट है और क्या है। आइए, हम लोग टिकट काउंटर पे हैं जहाँ 50,000 डोंग की पर पर्सन की है और बच्चा फ्री है। तो इन्होंने 50,000 डोंग लिए हैं जस्ट टू गेट क्लिक एंड पिक्चर हियर। नाउ वी आर हेडिंग इनसाइड जो ये एक कम्युनिटी है इसके अंदर। यहाँ पे रोल कर रहे हैं डाइड स्टिक्स। तो इन्होंने अंदर एंट्री करवाई है, वहाँ पे इनका जो पगोड़ा है, जो टेंपल है, वहाँ पे इन्होंने कहा है मतलब प्रेयर करिए और उसके आगे वो फिर लेके चलते हैं। तो बहुत ही अच्छा, ये क्योंकि ये ट्रेडिशन बहुत पुराना है तो दे हैव मेड और डेडिकेटेड टेंपल्स टू वर्शिप। तो ये उनका एक टेंपल है। बस फिर उन्होंने कहा कि गॉड को कुछ चढ़ावा चढ़ाइए, तो हमने भी एक थोड़ा सा चढ़ावा चढ़ाया। सो अंदर इनके मेन डेटी का रूम है और एक बेल है जिसको आप करके पे कर सकते हैं। नहीं बज रहा, अंदर घंटा ही नहीं दिख रहा। Tell me all about my color, my hair and my little feet that have carried every mile. तो हम इंसेंस विलेज आए थे और यहाँ पे किसी लोकल ने हमारे को अपने घर में इनवाइट किया है। वी वर जस्ट देयर और उन्होंने हमारे को वार्मली इनवाइट किया और हम मना नहीं कर पाए, सब हम जा रहे हैं। एक लोकल फैमिली ने अपने घर पे यहाँ इनवाइट किया है। सो वी विल शो यू द वियतनामीज हॉस्पिटैलिटी। हेलो हेलो, इट्स अ ब्यूटीफुल होम। यस, थैंक यू, वेरी ब्यूटीफुल। Oh, you already speak good English. Thank you. So basically, English सीख रहे हैं. So they invited us कि हम थोड़ा उनकी English को practice करवाएं. It's a very beautiful home. बड़ा सुंदर घर है. बड़े प्यारे लोग हैं. My favorite food. My favorite food is rajma chawal. It's like bean and rice. Water and banana. Banana chui man. My favorite festival is Diwali. It's a big festival for Indians, Diwali. A lot of fireworks happens on Diwali. What is your favorite festival? I like New Year. Oh, film director. I like Karan Johar movie. It's nice. What is your favorite flower? My favorite flower,
I like lily. My favorite flower is cactus. She's just like cactus. Cactus. Yeah, she's just like cactus. 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 You are also learning English? Yes. Yes. Yeah. I am. But you speak good English. Yes, I am the teacher. Oh, so you are the teacher. Yes. What is your favorite outdoor activity? Oh, I love to sleep. Outdoor activity. That is also, I sleep. And what is your favorite outdoor activity? Think of something which I know. I like running. Oh, you like running. Oh, that's why you're so fit. 38. And how old are you? I am 22. 22. He is 16. I'm 16. He is 8. I'm the youngest, 20. You are the funniest. Yeah. Living in Vietnam. I love Vietnam people. They're very nice. Your favorite actress? Alia Bhatt. Deepika Padukone. Deepika Padukone. Alia Bhatt. Thank you. It's a very nice home. Thank you. So, we had so much fun. Bye-bye. सो हमें वो अपने घर ले गए और एक्चुअली वो अपने भाइयों को इंग्लिश सिखा रहे थे तो वो चाहते थे कि हम उनके साथ बात करें सो दे ऑफर्ड अस फ्रूट्स दे ऑफर्ड अस कोल्ड वाटर यस वेरी लवली वियतनामीज फैमिली मेरे पीछे है सेंट जोसेफ कैथेड्रल जो कि हनोई का सबसे ओल्डेस्ट चर्च है यहाँ पर जब फ्रेंच थे तो उन्होंने ये चर्च बनवाया था और यहाँ पर मास प्रेयर्स होती थी अब इट्स अ फेमस पॉइंट जहाँ पर आप आ सकते हैं फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक करवा सकते हैं यहाँ पे रिक्शाज भी हैं जो कि आप ले सकते हैं और एक घंटे का आपको सिटी टूर देते हैं नमस्ते दर्शकों अब हम आए हैं हनोई का सबसे पुराना टेंपल जिसका नाम है बाड़ा पकौड़ा चलो चलो जल्दी से हाथ जोड़ के चेक करो One day I'll walk your soul. One day I'll finally know my soul. One day I'll come to you to say hello, Vietnam. So right now, हम लोग खड़े हैं यहाँ होइंग केम लेक के फेमस ब्रिज के बाहर जिसको क्रॉस करते हैं नॉक सॉन टेम्पल मान्यता है कि ये एक आइलैंड है जहाँ पर जो भगवान जी हैं वो आके यहाँ पर मेडिटेशन करते थे तो उस पर से ही उनका ये टेम्पल बना गया बहुत ही ब्यूटीफुल है ये जगह होइंग केम लेक के ऊपर ये रेड कलर का ब्रिज बहुत ही प्रोमिनेंट लगता है और बीचों बीच जो आइलैंड है वहां पर वो टेंपल है तो हम ब्रिज क्रॉस करके उस टेंपल की तरफ जाएंगे टेंपल के एंटर होते ही कोई फिश पॉन्ड है तो माना जाता है कि दे आर द सीक्रेट फिश तो सबसे पहले आपको कोई फिश पॉन्ड मिलता है क्लोई बहुत एक्साइटेड हो जाती है जैसे ही निवली कोई फिश ये नहीं खाती हैं चलो एंटर होने के बाद एक बहुत सुंदर बुद्धिस्ट टेंपल है एंट्री के बाद आप पहले सबसे पहले देखते हो कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है इसके नीचे आप बैठ सकते हो एंड दिस इज बेसिकली यू नो एस्थेटिक एंड दिस इज द मेन टेंपल अंदर से इट्स कंप्लीटली लेस्ड विद गोल्ड वेरी ब्यूटीफुल टेंपल्स अमेजिंग लाइक स्टैचूज एंड स्टफ टेंपल के सामने आप देख सकते हैं There's a beautiful view of the lake. देखो और हम लोग हैं लेक के बीचों बीच ये टेम्पल के जो सामने की तरफ जैसे अभी राइट नाउ जो मेरे पीछे है दैट इज होइंग केम लेक इसके आजू बाजू बहुत सी मार्केट है ब्यूटिफुल एक ब्रिज से जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिज से क्रॉस होके यहाँ से सामने है एक बहुत ही सुंदर टेम्पल
आइए आपको मैं टेम्पल दिखाती हूँ। ब्यूटीफुल गोल्डन कार्विंग हो रखी है अंदर, और अंदर एक श्राइन है और उसके अंदर एक और चेम्बर है जहाँ पर इनके डेटी, इनके भगवान जी स्थित हैं। ब्यूटीफुली रेड और गोल्ड का ये कॉम्बिनेशन जो कि बहुत प्रॉस्पेरिटी का कलर होता है। जिसको हुआ लो प्रिजन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों हुआ लो? क्योंकि हुआ लो वियतनामीज लैंग्वेज में होता है अर्थन स्टोव, फर्नेस स्टोव जो बनाते हैं, अर्थन पॉटरी जो बनाते हैं। तो ये विलेज उन लोगों का होता था जो अर्थन पॉटरी बनाते थे और फायर के ऊपर बनाते थे। तो ये जेल बनाया गया, फ्रेंच ने बनाया, जो हुआ लो से बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका सेंट्रल प्रिजन ये बना दिया गया। अंदर बताया जाता है सेल्स जो हैं बहुत ही छोटे हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो लोगों को बहुत ज़्यादा पनिशमेंट्स वगैरह दी जाती है। दे हैव बीन प्लेसेस डार्क रूम जहाँ पे एयर पास नहीं होती थी और बहुत ब्रूटली तरीके से मारा पीटा जाता था। मतलब जेल जैसे हम मूवीज में देखते हैं, जेल्स आर जेल, डार्क चेम्बर्स हैं। चलिए अंदर देखते हैं और क्या क्या है अंदर और क्या क्या पता चलता है। ये आ रहा है इवन जो वहाँ की रेलिंग्स, कुंडी, जैसे जहाँ जहाँ इन्होंने रिफर्बिश किया होगा वो सब स्टोन्स। तो मतलब दरवाजा, लुक एट दैट, ये जेल का उस टाइम पे दरवाजा था। कुंडी देखिए, एक एक चीज उन्होंने वहाँ पर लगाई थी। तो कुछ बर्तन जो कैदी यूज करते थे, मोर ओवर क्रिसमस की क्या ड्रेस वो ये। तो आप कुछ कुछ ग्लिम्स यहाँ पे पिक्चर्स भी हैं कि कैसे उनके हाथ और पैर, गला वगैरह बांध कर उनको रखा जाता था, जो थोड़े बहुत एग्रेसिव प्रिजनर्स होते थे। देखो इनके पैरों में भी बांध के इनको सोए जाते हैं। लोहे का ये नट एंड बोल्ट है ताकि ये लोग कोई न्यूसेंस या रात को आप सोचिए कितनी कठिनाइयों के साथ। ऑफ कोर्स दीज आर क्रिमिनल्स, बट इतनी कुछ क्रिमिनल्स नहीं भी होंगे, कुछ गांव के लोग होंगे, पर कितनी कठिनाइयों के साथ ये लोग यहाँ पर टाइम स्पेंड करते होंगे। कफॉट में, कफॉट का मतलब होता है डंजन। तो आप देख सकते हैं कितना डार्क है कि हमें दिख कुछ नहीं रहा है। ऐसे कुछ डार्क रूम्स होते थे जहाँ पे एक्चुअली इनको रखा गया होता था कि डंजन्स। लेकिन ये लोग इसको कहते हैं हेल ऑफ द हेल। ना पानी, ना एयर, ना सूरज की रोशनी, ना कोई लाइट। ये लोग बेचारे मतलब बॉडीज इनकी बिल्कुल स्केलीज में कवर्ड हो जाती थी क्योंकि लैक ऑफ लाइट एंड एयर होती थी। और बहुत ही दुखदायक, कई लोग तो अपना दम भी तोड़ देते थे। लेकिन इट इज वेरी सैडनिंग टू रीड ऑल दिस एंड टू सी व्हाट वी हैव टू फेस। दिस इज द आमंड ट्री, बादाम का पेड़, जो लिखा है कि इसकी टहनियां, इसकी डंडियों से ये लोग फ्लूट भी बनाते थे और तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बनाते थे। प्लस इसकी वो कहते हैं इसकी जड़ी बूटियाँ इतनी बढ़िया थी कि डाइसेंट्री और डायरिया को ठीक करने में इसके पत्ते और इसकी लकड़ी का बहुत इस्तेमाल करते थे। इसलिए ये आज एक हिस्ट्री का पार्ट बन चुका है, दिस बिग आमंड ट्री। मेरे पीछे है सबसे खतरनाक
गिलोटिन, गिलोटिन माने सर काटने की मशीन। तो आप देख सकते हो जैसे हमने मूवीज में देखा है, हाथ काट दो सर काट दो, तो ये वो है, गर्दन को अटका के इसमें प्रिजनर्स के सर काट जाता है। और सम ऑफ द पिक्चर्स आल्सो टेल्स यू द रियल, एक्चुअली जो रियल सर कटे थे इस गिलोटिन से, ऐसे सेल्स में रख दिया जाता था 10-10 महीनों के लिए, ताकि वो बाहर की दुनिया से या बाहर की किसी भी प्रिजन से वो बात ना कर सके। So, एक छोटा सा मेमोरियल भी बनाया गया है उन प्रिजनर्स की याद के लिए। आप यहाँ आके उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनके परिवार की शांति के लिए यहाँ पे प्रे कर सकते हैं, अगरबत्ती जला सकते हैं। ऐसी थी हमारी ये हाउ लॉन्ग प्रिजन की जो जर्नी थी। बहुत सच्ची बताएं तो पढ़कर सुनकर मतलब बहुत नॉलेज तो आपको मिलती है, लेकिन उतना ही दुख भी होता है। सो कुछ इस तरह की थी हमारी वियतनाम की ट्रिप। हमने वियतनाम के अंदर 15 दिन स्पेंड करे। वी स्टार्टेड फ्रॉम हनोई, देन वी वेंट टू हलोंग बे क्रूज, देन वी वेंट टू दनांग, बाना हिल्स, हुए, होचिमिन सिटी, एंड होचिमिन सिटी से फुकॉक आइलैंड, जो कि बहुत कम लोग जाते हैं, हमें कोई इंडियन नहीं मिला वहाँ पे बाय द वे, एंड फुकॉक से वापस हम आए हनोई। तो हमने 15 दिन स्पेंड करे वियतनाम में, और एक इंडियन पर्सपेक्टिव से यू नो वी ट्राई टू कवर वियतनाम, मेनी प्लेसेस ऑफ वियतनाम। सो डू वॉच द अदर वीडियोज ऑफ आर वियतनाम सीरीज, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू देसी ट्रैवल कपल फॉर मेनी मोर travel videos like this. Thank you.